कभी एयरपोर्ट का नामकरण महर्षि वाल्मीकि के नाम पर नहीं किया, एक भी एयरपोर्ट का नामकरण संत रविदास जी के नाम पे नहीं किया, एक भी एयरपोर्ट का नामकरण इन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर नहीं किया। यहां पर तो लोग करते थे केवल अपने नाम पर, अपने पूर्वजों के नाम पर। बच्चा पैदा बाद में होता था, पहले उसका नामकरण हो जाता था, उनके नाम से किसी एयरपोर्ट स्टेडियम का नाम रख दिया जाता था। और इसीलिए आज जब ये विधानसभा हरियाणा का चुनाव हो रहा है, तब मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। याद करिए 2017 के पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी, आबादी का सबसे बड़ा राज्य किन स्थितियों में था, हर तीसरे दिन दंगे होते थे, अराजकता चरम पर थी, बेटी सुरक्षित नहीं थी, व्यापारी का कोई सम्मान नहीं था और अराजकता चरम पर थी, विकास बाधित था। आज बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश की डबल इंजन की सरकार ने दंगों से सर्वथा मुक्ति प्राप्त कर दी है। अब पिछले 7.5 वर्ष में एक भी दंगा उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं हुआ, एक भी दंगा नहीं हुआ, क्योंकि दंगा करने वालों के लिए इस सामने उपकरण खड़ा कर दिए हैं कृष्ण बेदी ने पहले ही। दंगा करने वाला व्यक्ति जानता है कि दंगा करेगा तो बहन और भाइयों से मालूम है कि 7 पुस्तों की जो कमाई होगी ये जब्त हो जाएगी और ये गरीबों में वितरित हो जाएगी। आज यूपी में दंगा नहीं, आज बिना भेदभाव के सबका साथ और सबके विकास की भावना के अनुरूप विकास के कार्य हो रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश भारत के विकास का बैरियर नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बनकर के तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। डबल इंजन की सरकार है तो डबल स्पीड के साथ आगे बढ़ रहा है और यही तो कार्य आपके हरियाणा में भी हुआ। बहनों और भाइयों, जो यहां भाई भतीजावाद था, कांग्रेस का रहा हो या इन लोग का रहा हो, जो यहां गुंडागर्दी थी, जो यहां चौथ वसूली होती थी, जो भ्रष्टाचार था, पहले माननीय मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में और उसके उपरांत अब नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार हरियाणा को भारत के विकास का एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु बनाने का काम की है। आजादी के बाद ये पहली सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी जो 10 वर्ष पहले आपने चुनी थी। यहां पे मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में हो या नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में, जिस सरकार ने बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान और बिना भेदभाव के हर जाति, हर मत और हर संप्रदाय तक पहुंचाने का काम किया। आवास की सुविधा हो, शौचालय की सुविधा हो, हर घर नल की योजना हो, हर घर की कनेक्टिविटी हो, अधिकाधिक नौजवानों को नौकरी और रोजगार के साथ जोड़ने का कार्य हो, बेटी की सुरक्षा हो, व्यापारी का सम्मान हो, धर्मस्थलों के पुनरुद्धार के लिए कार्य योजना बनाने का कार्य हो, ये सभी कार्य द्रुत गति से पिछले 10 वर्ष के अंदर हरियाणा के अंदर देखने को मिले हैं। आज हरियाणा परिवारवाद का नहीं, भ्रष्टाचार का नहीं, बल्कि भारत के विकास का एक केंद्र बिंदु बनकर के उभरा है, तेजी के साथ उभरा है और अगले 12-15 वर्ष
जिनके बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है, अमृत काल का यह अवसर भारत को विकसित भारत के रूप में स्थापित करना है, तो इसके लिए हमें जाति मत और मजहब से ऊपर उठ करके अपने देश के बारे में सोचना पड़ेगा, देश के बारे में। बहनों और भाइयों, मैं तो आपसे कहने के लिए आया हूं, आज आपसे मैं यही कहने के लिए आया हूं, याद करिए, इन लोगों का हरियाणा के बाहर कोई अस्तित्व नहीं, एक अकेले कोई विकास कार्य नहीं करा सकता, इनकी क्षमता भी नहीं है, तो उसे वोट देने का मतलब आपका वोट बेकार जाना है। कांग्रेस अपनी विघटनकारी मानसिकता के लिए जानी जाती है। आप देख रहे होंगे कांग्रेस के नेता और नेता प्रतिपक्ष लोकसभा श्री राहुल गांधी के वक्तव्यों को देख सकते हैं, जब भारत के बाहर जाते हैं, भारत की संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न खड़ा करते हैं, भारत की आस्था पर प्रहार करते हैं, भारत की गुरु परंपरा के बारे में अनर्गल टिप्पणी करते हैं, भारत को अपमानित करने का कोई भी अवसर नहीं चूकते, और दुनिया के अंदर भारत को अपमानित करने की सेखी बघारने का काम ये लोग करते हैं। ये लोग जो देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते हैं, इन लोगों से उम्मीद करना कि भारत की सुरक्षा और भारत की समृद्धि के लिए कोई प्रयास करेंगे, ये बेमानी होगी, और कांग्रेस आज इस बेमानी पे उतर चुकी है। मैं आपसे ये कहने के लिए आया हूं, इन्होंने आजादी के बाद 75 वर्षों में लगातार अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए समाज को आपस में लड़ाने का काम किया, जातीय सेनाएं खड़ी की, ये जातिवाद, ये मत और मजहब की राजनीति, ये विकास की सबसे बड़ी बाधा है। बहनों और भाइयों, अगर हमें विकास करना है, अपने वर्तमान को अच्छा बनाना है, अपने भविष्य को सुखद और उज्जवल बनाना है, तो हमें इन बैरियर्स को पार करना पड़ेगा जो जातिवाद के नाम पर है, मत और संप्रदाय के नाम पर है, जो किसी अन्य कारणों से है, इन सब से उभर करके कार्य करना होगा। और इसी के लिए 14 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों को मंत्र दिया था, उन्होंने कहा था, मेरी सरकार जाति मत और मजहब से ऊपर उठ करके कार्य करेगी, मेरी सरकार का मंत्र होगा जिसमें समान रूप से एक सर्वसमावेशी विकास का कार्य होगा, और इस सर्वसमावेशी विकास ही राम राज्य के अवधारणा को पूरा करेगा। और इसके लिए उन्होंने मंत्र दिया था, सबका साथ सबका विकास का। बहनों और भाइयों, याद करिए, कांग्रेस तो आपके पास आएगी, नारा देगी, इन लोग भी आपके पास आएगी, जाति का नारा देगी, विभाजन की नारा देगी, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस और इन लोगों से पूछना चाहता हूं, इन्होंने जब इन्हें सत्ता मिली थी तब क्या किया था, कैसे 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 नजारे थे इनके समय में, लूट धड़ल्ले से होती थी, यहां तक कि हिंदू मंदिरों से भी ये लोग पैसा ले लेते थे। बहनों और भाइयों, मैं तो आपसे एक ही बात कहने के लिए आया हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा के अंदर, पहले माननीय खट्टर जी के नेतृत्व में, सिर्फ नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार कार्य की है, आज उसके परिणाम दिखाई दे रहे हैं, बेहतर कनेक्टिविटी हुई है, बुनियादी सुविधाएं जनता जनार्दन को मिली है। कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा, कांग्रेस के नेता गायब थे, इन लोगों के नेता गायब थे, कोई सेवा का कार्य नहीं कर रहा था, भारतीय जनता पार्टी तब
नारा देती थी कि सेवा ही संगठन है और एक एक कार्यकर्ता सरकार के साथ मिलकर के जनता जनार्दन की सेवा करने के लिए तत्पर दिखाई दे रहा था।